तो गाइज इस वीडियो को देखो, ये एक लाइव इवेंट शो था जहाँ पे रोमन रेंस और शायद ड्रू मैकइंटायर के बीच में मैच चल रहा था। और देख सकते हो आप, ये जो एक व्यूअर है वो लगातार रोमन रेंस को बू कर रहा था और थोड़ा गालियों का भी आदान प्रदान चल रहा था। रोमन रेंस भी लगातार उसको चिढ़ाने में लगे हुए थे, अपने कैरेक्टर में थे रोमन रेंस, लगातार ये चीज़ हो रही थी। और इस वीडियो की खास बात ये है कि WWE ने खुद इस वीडियो को शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। तो यार इस लौंडे के तो वाकई में मज़े आ गए। और रोमन रेंस के रिएक्शन आप देख सकते हो, अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो यार ये एक मोमेंट था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के अंदर ये चीज़ शेयर की। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें तो क्लैश ऑफ कास्टल जो कि सितंबर में होने वाला है, WWE ने इसका एक ऑफिशियल पोस्टर जारी किया है और कहा यह जा रहा है कि 30 सालों में यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये फर्स्ट मेजर स्टेडियम इवेंट होने वाला है। तो यार ये एक न्यूज़ थी जो कि मुझे लगा आप लोगों को देनी चाहिए, तो दे दी है। अब रोमन रेंस इसके अंदर पोस्टर बॉय हैं। वैसे यार रोमन रेंस से अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज WWE का जो अगला इवेंट है वो है हेल इन अ सेल, और हेल इन अ सेल के अंदर WWE ने रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं किया हुआ है। तो यार आप लोगों को मालूम होगा WWE ने अभी रोमन रेंस की हाल ही में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके अंदर वो लाइव इवेंट्स के अंदर कम ही अपेयर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन यार हेल इन अ सेल जैसे इवेंट के अंदर रोमन रेंस का ना होना WWE को एक बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। वैसे यार हेल इन अ सेल के लिए रोमन रेंस की जगह पे कोडी रोड्स को पोस्टर बॉय बनाया गया है, मतलब हेल इन अ सेल जो है वो पूरी अराउंड होने वाली है कोडी रोड्स के। तो ये एक अपडेट थी जो कि देनी थी। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिल जाए।